नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी आज की 20 सबसे बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बालासोर ट्रेन हादसे में 41 शवों की पहचान नहीं, घटना को 50 दिन हुए। एम्स डायरेक्टर बोले परिजन डीएनए सैंपल देने में देरी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में 295 लोगों की जान चली गई थी। हादसे को 50 दिन बीत चुके हैं, अब तक 41 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। एम्स भुवनेश्वर के डायरेक्टर आशुतोष विश्वा ने बताया कि परिजन शवों को लेने धीरे धीरे आ रहे हैं। उनका डीएनए सैंपल लेकर शवों को परिजनों को सौंपा जा रहा है। उधर दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से यह ट्रेन हादसा हुआ था। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने हादसे की जांच पूरी कर ली है। जांच में पता चला है कि हादसे के कुछ दिनों पहले नॉर्थ सिग्नल गुमटी स्टेशन पर सिग्नलिंग सर्किट में बदलाव हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गहलोत बोले आरपीएससी भंग नहीं हो सकता, बीजेपी वालों को अक्ल नहीं, मार्केटिंग में पीएम मोदी का मुकाबला नहीं, मणिपुर से देश शर्मिंदा, जवाब देना होगा। जी हां दोस्तों, सीएम अशोक गहलोत ने मणिपुर की घटना को लेकर भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा मणिपुर में जिस तरह महिलाओं का अपमान हुआ, उससे पूरे देश की विश्व में बेइज्जती हुई है। 77 दिन हो गए, पीएम ने एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फिर बोले। गहलोत जयपुर में शनिवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर ध्यान रखें। बताइए कहां मणिपुर और कहां राजस्थान। पीएम ने राजस्थान के अभिमान के साथ चोट की है। पीएम कहते हैं कि 140 करोड़ जनता को शर्मसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता शर्मिंदा नहीं है, वह तो दुखी है आपकी सरकार के कारनामों से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाकर आ गए और इतिश्री कर ली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा, महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पुलिस ने की 5वीं गिरफ्तारी, सर्च ऑपरेशन अभी भी है जारी। जी हां दोस्तों, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वीडियो के सामने आने के बाद पीएम मोदी ने इसकी निंदा करते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया था। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस घटना में जितने भी आरोपी शामिल हैं उन्हें जल्द ही पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बाद में सुबह के मुख्यमंत्री ने पुलिस को इन आरोपियों को गिरफ्तार करने और पूरे मामले की जांच करने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। विनेश बजरंग को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी हुई खारिज। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एशियाई गेम्स के ट्रायल से पहलवान विनेश फोगट और बजरंग पुनिया को दी गई छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत इस बात का फैसला नहीं करेगी कि बेहतर पहलवान कौन है। अदालत सिर्फ यह देखेगी कि एशियाई खेलों के लिए पहलवान चयन में पहले से स्थापित और तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। खारिज याचिका होने के बाद अंतिम पंघाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन साथ ही एशियाई खेलों में हम अपने लिए बेहतर मौकों के लिए लड़ते रहेंगे। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। अब हम कानूनी विकल्पों को तलाशेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हमारी मांग है कि सभी को उचित मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सीमा की तबीयत बिगड़ी, डिहाइड्रेशन की शिकायत, राष्ट्रपति को भेजी दया याचिका में हीर रांझा लैला मजनू का हवाला दिया। जी हां दोस्तों, सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। शनिवार सुबह उसे डिहाइड्रेशन की दिक्कत हुई, डॉक्टरों ने उसे ग्लूकोज चढ़ाया। वहीं सीमा हैदर ने शुक्रवार को राष्ट्रपति को 38 पेज की दया याचिका भेजी। इसमें अपील की कि उसको भारत में ही रहने दिया जाए, भारत की नागरिकता दी जाए, क्योंकि अब वह भारत की बहू है। उसकी और सचिन की शादी हो चुकी है, वह हिंदू धर्म भी अपना चुकी है। उसने अपनी दलीलों में कहा कि प्यार के सिवा उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। सीमा ने दया याचिका में हीर रांझा लैला मजनू श्री फरहाद की लव स्टोरी का जिक्र किया। याचिका में यह भी कहा कि वह सचिन से प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत आई है और यहीं रहना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, उसने बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, अक्षय कुमार का भी नाम लिखते हुए सवाल किया कि जब विदेशी नागरिकता होने के बावजूद ये लोग भारत में रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं। सीमा ने लिखा कि वह हिंदू धर्म अपना चुकी है, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS अभी उसकी जांच कर रहा है, लेकिन आगे वह CBI, रो, NIA किसी से भी जांच के लिए तैयार है। यही नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और DNA टेस्ट के लिए भी वह तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हाथनी कुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा, फिर बढ़ेगा यमुना का जल स्तर, दिल्ली में अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में बाढ़ का खतरा भी टला नहीं। हाथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली NCR में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। हाथनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई को यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर रहा था। शनिवार 22 जुलाई को दोपहर 3 बजे यमुना का जल स्तर गिरकर 205.17 मीटर हो
गया है, लेकिन देर शाम के बाद यमुना का जलस्तर फिर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश को देखते हुए अतनी कुंड बैराज में भारी मात्रा में पानी पहुंचा है। यहां से पानी छोड़े जाने से यमुना नदी में एक बार फिर उफान दिख रहा है। शनि रविवार शाम तक यमुना का जलस्तर 206.70 मीटर पहुंचने का पूर्वानुमान है। इसकी संभावना को देखते हुए शासन ने निचले इलाकों में मुनादी करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को तटवर्ती इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हर कैदी के अधिकार होते हैं। राम रहीम को 7वीं बार पैरोल मिलने पर बोले हरियाणा सीएम खट्टर। जी हां दोस्तों, दुष्कर्म और हत्या के केस में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 7वीं बार पैरोल मिलने से हरियाणा सरकार की आलोचना हो रही है। राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में 10 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। सजा मिलने के 2.5 साल के अंदर उसे 7वीं बार पैरोल मिली है। राम रहीम 20 जुलाई को 30 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आया है। इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हर कैदी के अपने अधिकार होते हैं। हर कैदी को एक समय के बाद पैरोल का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति पैरोल मांग सकता है, उसे पैरोल मांगने से नहीं रोका जा सकता। एनडीटीवी से खास बातचीत में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमने बाबा राम रहीम के मामले में सब कुछ कोर्ट पर छोड़ दिया है। हर कैदी के अपने अधिकार होते हैं। हमने यह जरूर साफ किया है कि पैरोल पर राम रहीम सिरसा नहीं आ सकता। जेल मैन्यूल के हिसाब से पैरोल तय होता है। राम रहीम यूपी में रुकते हैं, ये पैरोल के दौरान हरियाणा नहीं आते। वैसे भी राम रहीम को सजा के पहले 2 साल एक बार भी पैरोल नहीं दिया गया। ये कानून के हिसाब से दिया जाता है।